जो है काफी समय तक कानून वापस हो गए, आंदोलन खत्म हो गया, चुनाव है, अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? अब 13 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा चुनाव में क्या रहेगा, तो इसका मतलब ट्रेनिंग किसानों की कच्ची रही। आधे रेट में फसल बेच के, आलू को आधे रेट में बेच के, अब भी चुनाव की बतानी पड़ेगी कि क्या करना है चुनाव में। आपका जो है क्या किसी पार्टी की तरफ बता तो दिया रहे हैं भाई, किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच के और उसको चुनाव में क्या करना वो हमको थोड़ा बताना। तो आपकी मतलब इस चुनाव है, जैसे आप लखनऊ जाने की बात करते थे कि कुछ दिन पहले जो है कि मैं लखनऊ जाऊंगा, जो लखनऊ तो गए थे, मीटिंग करी थी लखनऊ आप गए थे जो है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं तो आपका कोई स्टैंड भी तो होना चाहिए। किसान जैसे आपकी तरफ देख रहे हैं, स्टैंड तो है ना, कहीं कुछ कहे आधे रेट में अपनी फसल बेच के वोट कहां इनको देनी, वो भी हमें बतानी जरूरत पड़ेगी। आपकी ओर स्वतंत्र है किसान जो अपना विचार रखे, आधे रेट में फसल बेच के इसको जहाँ वोट देनी है वहाँ दे सकता है। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे, उनके प्रवचन में नहीं जनता को आना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे बन जाएगी, हमें क्या पता किसकी बनेगी, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही, ना इनको नहीं। सरकार आप क्या पता किस प्रमुख मांगे क्या रहेंगी किसानों? प्रमुख मांगे तो यहाँ का किसान आलू से त्रस्त है, यहाँ का किसान अपनी जो फसल है वो आधे रेट में बेचता है, पूर्ण रूप से नुकसान है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा, वो 2.5 महीने के कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा, वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है जनता को बस। क्या मानते आपके द्वारा गठबंधन को समर्थन किया? हमें नहीं पता गठबंधन किसका, गठबंधन कहाँ, गठबंधन क्या, हमें नहीं पता। आधे रेट में फसल बेच के जनता जिसको वोट देना चाहती होगी दे लगी। क्या आपको कानून अभी तक लागू नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, सरकार को 31 तारीख में हमारा पूरा उसमें विरोध प्रदर्शन रहेगा और उस पर कमेटी बननी थी, वो कमेटी अभी नहीं बनी। एमएसपी पर कानून नहीं बना तो क्या मानते हैं एक और बार भी टिकट साहब मैदान में आएंगे? तो मैदान में तो हम ही अभी भी लखीमपुर खीरी से आए, अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो बर्खास्त नहीं हुआ। यहाँ जाति और धर्म पे वोट मांगी जाती है और जब तक देश जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम में बढ़ता रहेगा देश विकास नहीं कर सकता। अगर टिकट साहब से शासनी यहाँ से शासनी जो है इसकी सड़क देख के वोट दे देना किसको देनी है, एक बार जाना यहाँ से शासनी। वर्तमान में सरकार से पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनानी, क्या बता किसकी बनेगी सरकार जी? वर्तमान में जैसे भाजपा है किसको चुन के लेके आना है इन्हें पता, ये हिंदू मुस्लिम से बच जाइयो या अपने आप चुन लेंगे चुनाव में, हिंदू मुस्लिम अपने शासनी वाली सड़क देख के वोट दे देना ये अपने आप तय कर लेंगे।